माजू फाड़े नू, माजू फाड़ अपना ही हो, अपना ही हो, फाड़ा 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 अपना ही हो। जी मेरे भाई, वीडियो तो आपने देख ली है। मैं सऊदी अरब से ना आपके साथ कुछ वीडियो शेयर कर दूंगा ईद कुर्बान यानी कि ईद अज़हा के दिन की। तो ये वो वीडियो जो आपने देखी है पहले, वो भी ईद अज़हा के दिन की, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। पहले आप ये गोश्त देख लें, ये भी ईद वाले दिन की ही मैंने वीडियो है, जो मुझको खुद को भाई ये गोश्त एक सऊदी ने कीस ऐसे दिया है, उसमें गालबन 2 किलो के करीब गोश्त है। तो सऊदियों की सखाफत, जो मेरे भाई यहाँ पर रहते हैं उनको सबको तो पता है कि ईद कुर्बान यानी कि ईद अज़हा वाले दिन ये लोग जब कुर्बानी करते हैं तो उसके बाद भाई ये फिर गोश्त जो है ना वो ऐसे करते हैं कि ये बिल्कुल इस्लामी तरीके के हिसाब से ही बांटते हैं। तो ज़्यादातर ये ऐसे ही करते हैं कि भाई ये छापरों में डालकर ना 1-1 किलो 2-2 किलो तो छापर बंद कर लेते हैं, तो फिर गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी में रख कर ये घूमते हैं फिर बाज़ारों में, गलियों में, जहाँ कहीं इनको कुखारजी भाई मिलता है उसे फिर दे देते हैं। तो अभी मैं उस वीडियो के मतलब भी आपको बताता हूँ उसके मतलब क्या बना। फिर देखते हैं पहली वीडियो जो मैंने आपको दिखाई, जो वो छतरा भाग रहा है और उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। तो सऊदी अरब से ये तबूक शहर में हम थे, मैं उसके मतलब आपको बता दूं तो तबूक में हम रहाइश पर थे, तो रहाइश से नीचे उतरे हैं ना, जैसे ही जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया सऊदी अरब की सऊदियों की सखाफत के मतलब, तो हम तीन मेरे दोस्त थे, दो तो और तीसरा मैं। तो एक सऊदी ने गाड़ी रोका, उसने पहले हमको जब नीचे उतरी है, हम ईद के गालबन 1 या 2 घंटे के बाद, गालबन 8 बजे का टाइम होगा, तो उसने ना हमको भाई तीन छापर दिया, उसमें गोश्त था तीनों में, गालबन 7-8 किलो गोश्त था तीन छापरों में। तो उसने हम तीन लोगों को एक एक दिया, तो वो हमने ना एक दोस्त को अपने को दिया है कि तुम रहाइश पर छोड़ के आओ, हम इधर ही बैठे हुए हैं। तो वहां पर ही बैठे हुए थे कि ये मैंने देखा है मंजर जो मैंने आपको दिखाया, सऊदी का छतरा गाड़ी से निकला और भाग गया। तो उसके पीछे फिर हम भागे उसको एक गली में, मैं और मेरा दोस्त है, दोनों हम लोगों ने पकड़ लिया था। जब वो सऊदी है उसको बोला हम गाड़ी लेके आओ, ऐसे तुम इसको कैसे लेके जाओगे। फिर वो गाड़ी लेके आया, उसकी गाड़ी में रख दिया है। उसने फिर हमको बोला अभी मैं तुमको लहम दूंगा, गोश्त दूंगा, तो तुम मसलक पर आ जाओ। मैंने बोला अभी ठीक है हम मसलक पर आ जाते हैं, तुम किस मसलक पर। उसने 7 मसलक था उसका बता दिया, मैंने बोला ठीक है। मैं उतनी देर में वो हमारा तीसरा दोस्त भी आ गया, तो हम एक बाजार में या गली में चले गए, तो वहां से भी हमको गोश्त मिला। और सऊदी माशाल्लाह इतना अच्छा था वो भाई कि वो हमको घर ले गया, अपने बैठक में बैठाया, और एक माशाल्लाह इतना बड़ी ट्रे थी, वो ट्रे में उसने गोश्त बनाकर जो पकाया हुआ था घर पर वो लाया, वो खुद उसमें और उसका भाई और उनका अबू वो खुद उसमें खा रहे थे, हमको भी साथ में बिठाया, उसी में से खिलाया, तो साथ में गोश्त भी दिया। जब हम घर की तरफ निकले तो ये भाई जो है ना मसलक पर मैं जब गया हूं, तो मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं उसकी, तो ये इसने मुझको गोश्त दिया था। तो फिर इसको मैंने जब इसने मुझको देखा तो बोलता भी हाँ, मैंने बोला भी हाँ तू बोलता था गोश्त देगा, तो उसने बोला भी ठीक है। तो ये देख रहे माशाल्लाह इसने एक पूरी लेग है ना जो बकरे की वो उतार कर मुझे दी थी कि ये तुम रख लो ले जाओ, जो कि गालबन 4-5 किलो की ही थी। तो भाई ये कुर्बानी आपको पता है कि 2-3 कई तो माशाल्लाह 10-10, 20-20 कुर्बानियां करते हैं, तो गोश्त घरों में फ्रीजरों में नहीं रखते हैं ये मैं आपके साथ वाजा करता हूँ। ये गोश्त जो है ना छापरों में बंद करते हैं, गाड़ियों में रखते हैं, गली मोहल्लों में घूमते हैं। जो सफाई वाले बंगाली या पाकिस्तानी जो भी बल्दिया में होते हैं, यहाँ पर सफाई वाले रोडों पर फिर रहे होते हैं ना, उनको तो भाई बहुत ज्यादा मिलता है। उसके अलावा भी इनको कोई बंदा मिल जाता है गली मोहल्लों में, तो उसे भी ये देते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपना वाकया भी सुनाया है। तो सऊदी अरब के जो मेरे भाई यहाँ पर मुकीम है, उनको तो बाखूबी पता होगा कि इनकी सखावत के मुतल्लिक कि ये ईद कुर्बा पर गोश्त कैसे तकसीम करते हैं। और जो मेरे भाई आउट ऑफ कंट्री ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सऊदी अरब है, यहाँ पर गोश्त फ्रीजरों में नहीं रखा जाता है, बल्कि तकसीम कर दिया जाता है और बाकी मेहमानों को खिलाया जाता है और खुद खा लिया जाता है, 1-2-3 दिन में खत्म कर दिया जाता है बस। मैंने ऐसा केस नहीं देखा यहाँ पर कि गोश्त ईद कुर्बान का फ्रिज में पड़ा हुआ है किसी के घर पर 1 माह हो गया। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा बस।